दिसंबर का महीना शहर दिल्ली। सर्दी के मौसम में त्योहार की गर्म जोशी थी। दिवाली दो दिन दूर थी, पटाखों के शोर के साथ रिश्तों की रौनक थी, पर दूर कहीं एक हल्की सी सर्द हवा कुलाचे मार रही थी। लेकिन पटाखों के शोर में कहां कुछ सुनाई देता है। भाई शो कर दो। ले भैया बादशाह का कलर। अरे तुम यहां क्या कर रही हो, चाय दो भाई सबको। जी। हाँ भाई ये बाजी भी मेरी हो गई है। चल भैया पत्ते बांट, चल ये ले। मेरी जेब हो गई, आप ठन गोपाल आप लोग खेलो। भैया अपनी अपनी किस्मत है। भाई वो बात तो ठीक है, लेकिन हम भाइयों के लिए कुछ तो रियायत होनी चाहिए ना। भाई देख आज धनतेरस है, लक्ष्मी किस पे मेहरबान होगी ये आज के दिन डिसाइड होता है। आज के दिन ना तो कोई रिश्ता, आज कोई नाता, आज के दिन तो सिर्फ लक्ष्मी लक्ष्मी और लक्ष्मी। सही बात है भाई, उठा के देख लो ना किसका फोन है। हेलो, हैप्पी धनतेरस। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, मैं कब से तुम्हें कॉल ट्राई कर रही हूँ। समझा करो, मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पर। बकवास बंद करो, कब आ रहे हो। देखो आज मेरे घर पे भाई लोग आए हुए हैं। अगर तुम नहीं आ रहे हो तो मैं आ जाऊँ। अरे देखो देखो तुम ऐसा मत करो। मैं मना क्यों कर रहे हो, चले जाओ ना। वो अविनाश का फोन था। क्या एड्रेस है? 7x14 रजोरी गार्डन, प्लीज जल्दी आ जाइए। आप कौन? हेलो हेलो हेलो। फायर ब्रिगेड को फोन करो। सर चावला साहब के फैमिली अंदर है। तो बड़ी जल्दी फटाफट फायर सर्विस चले गया। ओके सर। चलिए पीछे चलिए पीछे चलिए पीछे चलिए पीछे चलिए पीछे चलिए पीछे चलिए। आप लोग कौन? सर हम इस घर के मालिक मिस्टर सुरेश शामला के कजिन से, और ये उनकी फैमिली है सर। ये सुरेश कहाँ है? कहाँ है क्या मतलब? देखिए मतलब ये है कि यहाँ पर इन तीन बॉडीज के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। आप लोग को खबर किसने दी? सर नेबर्स ने। हाँ सर मैंने ही फोन किया था। आखिरी बार कब मिला आप उनसे? सर अभी परसों ही भाई ने अपने घर में कार्ड पार्टी दी थी धनतेरस के रोज। सर सुरेश भाई का फोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहा है। सर लड़की जिंदा है। बच्चे को फौरन हॉस्पिटल भेजो। सर केवल पटाखों में आग लगने की वजह से ये तीन लोग? नहीं 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 ये कोई एक्सीडेंट नहीं लगता है। सारी बॉडी आजू बाजू सलीके से रखी हुई है, ना कोई स्ट्रगल ना किसी झगड़े के कोई निशान मिले हैं, और फायर सॉल्यूशन भी नीचे रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है घर का मालिक सुरेश चावला घर से गायब है। हाँ सर। यहाँ सिर्फ आग ही नहीं लगी है और भी बहुत कुछ हुआ है। पूरे घर को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चोरी डकैती या मारपीट कुछ भी होगा। मुझे तो एक कोई बहुत बड़ा गेम लगता है। दो लाशें एक जख्मी और घर का मालिक सुरेश चावला घर से गायब। एक काम करो सर, शहर के सभी नाकों में अलर्ट करवा दो और आसपास के सभी थानों में इसकी फोटो भिजवा दो। ओके सर। हो ना हो इस आदमी का इस वारदात से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। सर वो क्यों मारेंगे अपनी फैमिली को? सर वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे सर, वो जान छिड़कते थे अपने बच्चों पर। सर सर भाई क्यों गायब है ये नहीं मालूम, बट वो ऐसा नहीं कर सकते सर। कहाँ है तुम्हारे ये भाई साहब? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे की हालत कैसी है? सर वो आईसीयू में है। आप लोग जा सकते हैं। प्रवीण ये फोन जिसने भी किया था वो या तो विटनेस थी या फिर अपराधी जो अपराध करके निकल गई। सर यानी कि यहाँ पर अपराधी एक औरत भी हो सकती है। ये सुरेश की फोटो आसपास के थाने में भिजवा दी। यस सर। मुझे डर है कहीं ये शहर छोड़कर बाहर ना निकल जाए, इसका मोबाइल सर्विलेंस पे डाल दो। यस सर। सुरेश के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर। अब तो ये बच्चे ही हमें कुछ बता सकती है। यस सर। चलो सुनिए,
बच्चे की तबीयत कैसी है अभी? सर अभी तक होश नहीं है। सर आपके लिए फोन है। मेरे लिए? हाँ सर। हेलो सर, सुरेश चावला का एक औरत के साथ टांका भिड़ा हुआ था और उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। चित्रा निगम। आप कौन बोल रहे हैं? सर बहुत पुरानी आशिकी थी दोनों में, चित्रा निगम। आपको कैसे मालूम? दुनिया जानती है। उसके जो दो कजन ब्रदर है ना, आप उनसे जाकर पूछ लीजिए, उन्हें सब कुछ पता है। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। ओके सर, भाई और भाभी के बीच में तो प्यार ऐसा था जैसे मेड फॉर ईच अदर। कोई और भी था इस मेड फॉर ईच अदर में? चित्रा निगम, नाम सुना है कभी? सुना है ना सर। सर भाई और भाभी के बीच में उसकी वजह से बहुत अनबन थी। चित्रा मेरी से दोस्त है और कुछ नहीं। तो जो नहीं है ना वो भी कर लो। जस्ट शट अप। यू शट अप, बेशरम कहीं के। नहीं नहीं, माइंड योर लैंग्वेज। तुम अपनी हरकतें जारी रखो और मैं अपनी लैंग्वेज माइंड करूं। एक काम करो सुरेश, तुम उसको लेकर निकल लो और हम सबको जहर दे दो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे अरविंद। पर सर घर की बात अगर घर में रह जाए ना तो ही घर की इज्जत बनी रहती है। इज्जत के चलते दो दो हत्याएं हो चुकी है, कुछ और भी है बताने को जो छुपा रहे हो, बाद में पता चला तो। सर सर नहीं सर, सर बाकी उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था ये हमें नहीं मालूम है सर। ये चित्रा निगम कहाँ रहती है कुछ मालूम है? प्रवीण, हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर पे किसी औरत का फोन आया था मेरे लिए। अपनी मोबाइल सर्विलेंस यूनिट को अलर्ट करो, ये औरत फोन दोबारा जरूर करेगी मेरे, तुम्हारे या थाने के नंबर पे। खेल रही है हमसे, इसके खेल को खत्म करना होगा। सर सुरेश साहब को फैमिली से बहुत प्यार था, वो ये सब नहीं कर सकते। बाकी अफेयर तो। चित्रा निगम जी सर, यहाँ पे कई बार आई भी है। रहती कहाँ? सर ये पास में 3/93 राजेंद्र नगर। क्या बात है? सर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक चूहे मारने की दवा मिठाई में मिलाई गई। तो सर फिर ये आग क्यों लगाई गई? हत्या को छुपाने के लिए? नहीं प्रवीण, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेड पॉइजनिंग की बात तो निकलनी थी, छुपाने से क्या फायदा होता? आग लगाने का कारण तो कोई और ही है। कौन सा कारण सर? ये तो चित्रा को ही मालूम है। सुरेश का किसी से नाजायज रिश्ता था और इस रिश्ते की वजह से घर में तनाव था, विवाद था, और फिर जो दिवाली की रात हादसा उनके घर पर हुआ उसका इस विवाद से, इस तनाव से ताल्लुक हो ये असंभव नहीं था। इस विवाद के दूसरे सिरे पर थी चित्रा निगम नाम की एक महिला। क्या परिवार को अपने रास्ते से हटाकर अपने रिश्ते को कायम रखने का मकसद था इनका? पुलिस चित्रा से पूछताछ करने के लिए उसके घर जा पहुंची, लेकिन फोन पर पुलिस को खबर करने वाली ये गुमनाम औरत कौन थी? चित्रा निगम। दीदी जी घर पे नहीं है सर। कहाँ गई? मालूम नहीं। कब तक आएंगी? सब अभी घंटा भर पहले ही गई है। ये तो नॉट रीचेबल है सर। दिल्ली से बाहर जाने वाले सभी रस्तों पर अलर्ट करवा दो, खासकर दिल्ली गुड़गांव रोड, और इसके मोबाइल को सर्विलेंस में डालो और इसकी फोटो आसपास के सभी थानों में सर्कुलेट करवा दो। ओके सर। ये दोनों मिले हुए? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। अच्छा उसे यहाँ लेकर आ जा। सर हमारे लोगों ने दिल्ली गुड़गांव टोल नाके पर एक काली गाड़ी पकड़ी है, उस गाड़ी में चित्रा निगम भी थी। चित्रा जी कहाँ जा रही थी? गुड़गांव सेक्टर 22, फार्म हाउस है मेरा वहाँ। गुड़गांव सेक्टर 22। ये सुरेश चावला और आप अक्सर जाते रहते हैं ना गुड़गांव सेक्टर 22? नहीं तो। आपके और सुरेश चावला के बीच? हम दोस्त हैं। दोस्त या फिर? आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? आप सुरेश से क्यों नहीं पूछ लेते? क्यों? आपको मालूम नहीं कि सुरेश लापता? दिवाली की रात से उसकी बीवी और बच्चे की हत्या के बाद से वो गायब है, और उसकी एक बेटी इस वक्त हॉस्पिटल में है जो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, और हमें ये शक है कि ये काम सुरेश चावला का ही है। What are you saying? सुरेश तो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, सुन चुका हूँ। अच्छा
आप आखिरी बार सुरेश चावला से कब मिली थी? बहुत दिन पहले, शायद एक महीना। हमें भी पता चला कि आपकी वजह से सुरेश चावला और उसकी बीवी के बीच में कुछ तनाव चल रहा था। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? मैंने और सुरेश ने मिलकर ये सब, क्या सबूत है आपके पास? सबूत भी मिल जाएगा चित्रा जी, अभी आप जा सकते हैं। इस पर नजर रखो। ओके सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, सुरेश चावला कल होटल गजल में ठहरा था, होटल गजल पहाड़गंज। दिवाली की सुबह सुरेश चावला नाम का कोई आदमी रुका था इधर? चेक करता हूँ सर। सुरेश चावला? जी हाँ सर। साथ में कहीं ठहरा था? नहीं सर, अकेला था। यही था? लगता तो यही है। एक मिनट सर, पर्सनल आईडी के लिए ये वाला पैन कार्ड की कॉपी दी थी। तो बहुत पुरानी है, कॉलेज के समय की। कौन सा नंबर पर ठहरा था? 311 सर। सर बाथरूम में शर्ट मिला, ये उसी की छूट गई होगी सर। छूट गई या जानबूझकर छोड़कर चला गया? पता नहीं सर। चंद घंटों के लिए कमरा लिया और छोड़कर चला गया गुड़गांव? गुड़गांव की कोई खबर निकली? मैं पता करता हूँ सर। चित्रा पे विजिलेंस बढ़वा दो, मुझे शक है खेल में दोनों शामिल हैं। एक बार फिर एक अनजान औरत पुलिस को सुराग देती है, सुराग लगभग सच ही साबित होता है और तहकीकात का सिलसिला आगे निकल जाता है। हर सबूत सुरेश की तरफ इशारा कर रहा है और चित्रा को इस केस में लिपटा हुआ बता रहा है। सुरेश अब तक लापता है और अगर इस उलझे हुए जाल का कोई पहलू सामने है तो वो है चित्रा निगम। हालांकि एक बात इस केस में बड़ी रहस्यमय है, इस गुमनाम महिला खबरी का अपना क्या मकसद है? उस औरत ने जहां से कॉल किया था वहां का एड्रेस हमें मिल गया है। उसने राजेंद्र नगर के किसी पीसीओ से कॉल किया था। उसके ओनर का कहना है कि उसकी उम्र तकरीबन 30 से 32 साल की थी और जब हमने चित्रा की तस्वीर उसे दिखाई तो उसने कहा कि उसे शक्ल अच्छे से याद है। ये तो चित्रा हो सकती है या फिर सुरेश चावला की कोई दूसरी माशूक। लेकिन वो ऐसा खुद क्यों करेगी? जानबूझकर सुरेश चावला का भेद खोल रही, हो सकता बदला ले रही हो। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है ना कि चित्रा का इस केस से कोई लेना देना ना हो। हेलो। ओके नहीं प्रवीण, चित्रा इस केस में पूरी तरह डूबी हुई है। सुरेश चावला का फोन एक्टिव हो गया, उसका लोकेशन भी मिल गया। चलो बाहर निकले। मैं खोलूं? क्या ये? सर मुझे पता नहीं ये फोन मेरे पर्स में कैसे आ गया। आपको पता नहीं सुरेश का फोन आपके बैग में कैसे आ गया? हाँ सर, सर मैं अपने पर्स में से कुछ निकाल रही थी और मैंने देखा कि सुरेश का मोबाइल इसमें से निकला और मैं। मैडम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, आप यहाँ अपने आशिक से मिलने आई थी और उसका फोन तो आपके पर्स में आ गया लेकिन वो गायब। किधर है सुरेश? व्हाट नॉनसेंस सर, मुझे कैसे पता कि सुरेश कहाँ है? सुरेश कहाँ आप यहाँ बताएंगे थाने चलकर? सर मुझे सच में नहीं पता कि सुरेश कहाँ है, आप गलत कर रही है या क्या कर रही है? प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मुझे नहीं पता कि ये फोन इस बैग में कैसे आया और सुरेश के घर में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। सर प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लगता आप ऐसे नहीं बताएंगे, रिमांड में लो मैडम को, कुछ दिन हमारे यहाँ मेहमान बनकर रहेंगी ना तो खुद ब खुद जबान खुल जाएगी। सर प्लीज सर, दिस इज नॉट फेयर, आई वांट टू स्पीक टू माय लॉयर सर, क्योंकि ये गलत है। चित्रा के खिलाफ कोई ना कोई ठोस सबूत मिलना बेहद जरूरी है प्रवीण, वरना सीधा साफ निकल जाएगी। जिस किसी ने भी इस कांड को किया है ना उसने अपने पक्ष में बड़ा सख्त केस बनाया है, अब एक ही है जो इस गुत्थे को ढीला कर सकता है। कौन है सर? हॉस्पिटल में दिया। हाँ हेलो। ओके डॉक्टर साहब। सर हॉस्पिटल से ही फोन था, डॉक्टर ने कहा है कि दिया को होश आ गया है। चलो फिर। क्यों आ रहा मम्मी को, क्यों आ रहा विक्की को? देखो बेटा इंस्पेक्टर साहब तुमसे मिलने आए। कैसा है बेटा, क्या बोल रहे थे आप? क्यों आ रहा मम्मी को, क्यों आ रहा विक्की को, आपको पता है पापा किधर है? बेटा हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन अगर कुछ बातें आप हमें बताएंगे ना तो पापा का पता लगाना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। चलिए बताइए, दिवाली की रात क्या हुआ था? रूबी आंटी मुझे गेट पे छोड़ के गई थी। बाय। मम्मा, पापा। मम्मा, मम्मा, मम्मा। और कुछ? हाँ, बाहर एक ब्लैक कलर की कार खड़ी थी। छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी? याद नहीं, पर कार थी। सिक्योरिटी टाइट रखो और हर पल की खबर रखना, क्योंकि बच्ची का बचना कातिल के लिए सही नहीं है। ओके सर। काली गाड़ी चित्रा निगम, ये औरत हमें उलझा रही है, थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी इससे। ना, हमारी लेडी कॉप बहुत खतरनाक है। मैं आई थी उस दिन सुरेश के घर और मैंने ही कॉल किया था। कॉल आपने किया था? ये आपने मैं पहले क्यों नहीं बताया और वहां से भागी क्यों? उस दिन घर में आग लगी देखकर मेरी हिम्मत टूट गई, मैं वो नहीं देख सकती थी। I got scared and I left from there. ये फिल्मी लाइनें यहाँ थाने में नहीं चलने वाली मैडम। जो सच था मैंने बता दिया आपको, अब यकीन करना नहीं करना आपका काम है। सच का तो पता नहीं हमें मैडम, लेकिन पुलिस के मन में आपने अपने खिलाफ शक जरूर बढ़ा लिया। सुरेश के साथ आपका रिश्ता, उसका मोबाइल फोन आपके बैग में मिलना और इस वारदात की एकमात्र गवाह ने यह बताया कि उस रात घर के बाहर एक काली गाड़ी खड़ी थी। पूरे दिल्ली शहर में सिर्फ मेरे पास ही काली गाड़ी है क्या? यकीनन, लेकिन उस रात आप सुरेश के घर गई थी। हाँ, मैं गई थी पर मैं उससे मिली नहीं थी। लगता है मैडम से सच नहीं बोला जा रहा है। अच्छे से मेहमान नवाजी करो इनकी। इस औरत ने पिछले 2 महीने में जिस जिसको कॉल किया है और जिस जिसने इसके फोन पे कॉल किया, मुझे सबके रिकॉर्ड चाहिए। ओके सर। सर, दिया आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। अच्छा। हेलो, क्या ठीक है? क्या हुआ सर? दिया के पापा मिल गए। सबूतों की कड़ियां एक एक कर बिखरने लगी थी। चित्रा ने सुरेश के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था, ये बात अब बेबुनियाद लगने लगी थी। परिवार के 2 नहीं बल्कि 3 सदस्य हत्या का शिकार हुए थे। कोशिश तो चारों को मारने की थी लेकिन दिया बच गई। गुमनाम औरत की हर बात गलत लगने लगी, लेकिन कौन था जो पुलिस को भटकाने की कोशिश कर रहा था और क्यों? प्रवीण, ये चित्रा को रिलीज कर दो। जी सर। सुरेश जिंदा है, होटल में चेक इन किया है, चित्रा के साथ इन्वॉल्व है, कोई तो है जो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, शायद वो औरत जो रह रहे के हमें कॉल कर रही है। सर, हमारी पीसीओ मोबाइल सर्विलांस यूनिट उसके अगले कॉल का इंतजार कर रही है, इस बार उसको धर दे पूछेंगे सर। अब शायद उस औरत का कॉल नहीं आएगा क्योंकि ये विटनेस नहीं बल्कि अपराधी ही है और दूसरों के बारे में हम लोगों को गुमराह कर रही है। सर, सुरेश चावला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हत्या 4 दिन पहले हुई, मतलब दिवाली की रात। जिसने उन लोगों को मारा उसने इसको भी मारा, इसकी बॉडी को लेकर चला गया और ब्लेम प्लांट किया चित्रा पर। ये जो कोई भी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है यही कातिल है। अब तो ये बिल्कुल साफ है सर, ये औरत बहुत ही शातिर है। मुझे लगता है कोई और भी है जो इस केस में शामिल है। मत भूलो, उस रात गजल होटल में एक आदमी ने चेक इन किया और उससे पहले ही सुरेश की हत्या हो चुकी थी। हत्या सुरेश ने नहीं, मतलब ये औरत अकेली नहीं है, कोई तो है जो इसके साथ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये काली गाड़ी वाली बात ये दिया ने बताई थी ना? हाँ सर, दिया ने ही बताई थी। चित्रा आग लगने के बाद आई थी और दिया ने काली गाड़ी को पहले देखा था, कहीं ये काली गाड़ी दूसरी तो नहीं? इसके बारे में शायद दिया ही बता पाए, लेकिन इस वक्त तो उसके घर में मातम पसरा होगा सर। बेटा, कौन से लॉकेट की बात कर रही हो बेटा? जिसमें सबका फोटो था जो पापा ने मुझे गिफ्ट किया था। कहाँ रखा था बेटा वो लॉकेट? वही घर ही रखा था, मम्मी के गहने भी गायब है। अरे बेटा, वो लॉकेट यही कहीं होगा, अभी देखो इतने सारे पैसे गहने वगैरह है ना? बहुत सारा था। और भी गहने थे? ठीक है बेटा, वो लॉकेट ना हम तुझे तरह से मिला देंगे। शाबाश बेटा। लेकिन सर, लॉकर तो हमने वारदात वाले दिन भी देखा था। हाँ, लेकिन हमें क्या पता था कि लॉकर में माल कितना है, हमें लगा जितना मिला उतना ही होगा। हाँ सर,
कोई बड़ी सफाई से माल लेकर निकल गया। कातिल हत्या करने के बाद माल लेकर चला गया, लेकिन थोड़ा छोड़ गया हमें गुमराह करने के लिए। कोई तो है इस केस में जो सबूत और गवाहों के साथ चाल चल रहा है, कानूनी तफ्तीश को अपने मन मुताबिक घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उस पर मुसीबत आने वाली है, क्योंकि जाने अनजाने दिया ने जो बयान दिया है कि लॉकर में माल था उतना नहीं जितना अब है। रवि ने कातिल जो कोई भी है इस परिवार को अच्छी तरह से जानता था, उनके रिश्तों को समझता था और इनके अंदर की खबर रखता था, तभी तो कभी हमारे सामने चित्रा, कभी सुरेश की लाश और कभी उसका मोबाइल फोन रख देता है। सर कहीं आपका इशारा सुरेश के परिवार वालों की तरफ तो नहीं? सर वो दोनों एक नंबर के कमीने हैं, और यहाँ तक कि अरविंद ने तो कई बिजनेस भी शुरू किए लेकिन वो किसी में भी सफल नहीं हुआ। फिर सुरेश भाई से हर बार पैसे लेने के लिए आ जाता था, यहाँ तक कि अरविंद जी का अभी भी घर सुरेश भाई के पास गिरवी है। और विनीत? सर वो तो ज्यादा चुप रहता था लेकिन अंदर से एक नंबर का बदमाश था वो। सर सर कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है, हर बार सुरेश भाई से पैसे लेने के लिए आ जाता है। सर अभी वही दो हफ्ते पहले दोनों में बहुत झगड़ा हुआ साहब। बस भाई बहुत हो गई उधारखोरी, अब तो तुम अपना देख लो समझे। सुरेश भाई बोल तो रहा हूँ लौटा दूंगा, पिछले 5 साल से कह रहा है तू लौटा दूंगा, आज तक एक अठन्नी नहीं लौटाई तूने मुझे। अगले हफ्ते मेरे पैसे आ रहे हैं, अभी 10,000 दे दो मैं आपको लौटा दूंगा पक्का। देख मेरे क्लाइंट आने वाले हैं, मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। सुरेश भाई खुश नहीं थे दोनों भाइयों से, लेकिन बड़े भाई का फर्ज निभा रहे थे। सुरेश चावला तुम्हारे काफी क्लोज था, उसने कभी अपने घर अपने कजिन के बारे में चर्चा नहीं की तुमसे? की थी। विनीत और अरविंद के बारे में उन्होंने मुझे बताया था कि वो दोनों उन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। सुरेश काफी परेशान रहते थे हाय दिन उनकी डिमांड्स को लेकर। हर जगह की तलाश लो। यस सर। क्या हुआ सर? सर क्या ढूंढ रहे हैं आप? बताता एक मिनट रुको। ये सब क्या हो रहा है विनीत? ये सब क्या हो रहा है? सर बात क्या है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप मिलेगा तो बता देंगे। देखो अगर कुछ छुपा के रखा है तो सच सच बता दो, नहीं तो इस केस में जेल की हवा खानी पड़ सकती है तुम दोनों भाइयों को। सर ये देखे क्या मिला। क्या क्या ये? सर ये क्या ये सर? ये लॉकर तुम्हारे पास कैसे आया? क्या ये सर? मेरा नहीं है सर। आप पीछा किया? अभी सर तू थाने बताना। अरे लेकिन सर बात तो सुनिए सर। नहीं सर सर सीधे अरविंद भाई को फोन करो और मेरे लॉयर को भी। चल सर मेरी सर प्लीज। सर उस दिन धनतेरस के रोज सुरेश भाई के घर में कार्ड पार्टी हुई थी। भाई देख आज धनतेरस है, लक्ष्मी किस पे किस में मेहरबान होगी ये आज ही के दिन डिसाइड होता है। बहुत सा पैसा हार गए थे हम दोनों भाई, तो जब सुरेश भाई लापता हुए तो ये देख विनीत ये सब तेरे लिए है। इतना सारा पैसा ये कहाँ से? सुरेश भाई की तिजोरी से। और देख विनीत मैं अपना हिस्सा रख चुका हूँ, ये सब तेरे लिए है रखने से। नहीं अरविंद भाई ये सही नहीं है, ये पैसा तो हम हार चुके थे ना। देख विनीत धनतेरस के रोज जुए में हम पैसा हारे थे, वैसे भी सुरेश भाई तो यहाँ है नहीं, पता नहीं कब आएंगे, तो ये पैसा अपना ही है रख लेने। नहीं अरुण भाई मुझे ये सही नहीं लग रहा, इन पैसों पर हमारा कोई हक नहीं बनता है। यार तू हरीशचंद्र की जैसी बातें मत कर, जो मैं कह रहा हूं ना कि हमारा पैसा है और ये तेरे हिस्से का है, इसे रख और चल यहां से। और वैसे भी देख हम हारे तो सिर्फ पैसा थे, लेकिन अब पैसे के साथ जेवर भी है, चल इन्हें रख और चल यहां से। मैंने उसको पैसे दिए मेरे घर में? नहीं सर, सर झूठ बोल रहा है सर विनीत। सर कमीने ने भाई का मर्डर करके सारे पैसे उड़ा लिए और कहता कि मैंने उसको दिए। सर सर आप तो मेरे घर आए थे ना सर, मेरे घर से कुछ मिला आपको? कुछ भी मिला सर? सर इन दोनों भाइयों में से कोई एक तो है जो इस मर्डर में शामिल था। दोनों के पास मोटिव भी है, सहूलियत भी है, दोनों घर के भी हैं और अपने भी, लेकिन इन दोनों में असली कातिल कौन है? इसका भेद तो उस काली गाड़ी में छुपा है। काली गाड़ी? अब ये पता करो कि दोनों में से वो काली गाड़ी किसके पास है। लेकिन सर हमने जब रेड मारी थी तो विनीत के घर हमें एक बाइक मिली थी। आप यहाँ क्या देख रहे हो? अरविंद भैया के घर जाके देखो, एक नहीं दो दो गाड़ियां हैं उनके पास। और अरविंद के घर एक कार। वो काली गाड़ी इतनी भी जल्दी सामने आने वाली नहीं है प्रवीण।
एक दूसरे से गले मिलने में कभी कभी नजरों से नजरें नहीं मिलती, आंखों में बसी नफरत नहीं दिखती, और शायद ऐसा ही कुछ हुआ सुरेश चावला और उसके परिवार के साथ। विनीत सुरेश का अपना था, तमाम खुदगर्जियों के बावजूद भी सुरेश ने विनीत के साथ अपना रिश्ता कायम रखा था। लेकिन क्या सिला दिया विनीत ने सुरेश को इसका? विनीत के घर से पैसे मिले, अरविंद ने विनीत को पैसे दिए, विनीत ने भाई को मारा, ये सारी बातें विनीत के जुर्म को साबित कर रही थी। आपके पास तो दो गाड़ियां थी ना? जी सर, वो बेच दी हमने। बेच दिया? कब? वो धनतेरस के रोज। अच्छा, जिस गाड़ी को आपने बेचा उसका रंग क्या था? व्हाइट। अपने सोर्सेस से पता करोगे अरविंद ने गाड़ी किसको बेची? ओके सर, चलो। यही गाड़ी है? हाँ सर, यही गाड़ी है। कब खरीदी? सर बात तो एक महीने पहले से चल रही थी, लेकिन वो दिवाली के सुबह ही देखे गया, वो अरविंद चावला नाम है उसका। सर इसका मतलब ये है कि ये अरविंद की बीवी झूठ बोल रही थी हमसे? वो सच बोलेगी, इसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। एक काम करो, आसपास के सभी गैरेज वालों में पता करो किसी ने व्हाइट गाड़ी को ब्लैक कलर किया। ओके सर। हाँ सर, एक व्हाइट गाड़ी को काला कलर किया था, लेकिन साहब उसका मालिक बड़ा ही अजीब था। क्यों? क्यों क्या साहब? दिवाली के अगले दिन आया और मुझे बोलने लगा कि फिर से ये ब्लैक गाड़ी को व्हाइट कर दो। पूछा क्यों, तो बोलने लगा कि काला कलर मेरी बीवी को पसंद नहीं आया। ड्रामा बहुत हो चुका प्रवीण, अब एक ड्रामा हमको भी करना होगा। क्या है सब? कहाँ जा रहा है भाग के? चल थाने, चल। आस्तीन का सांप घर के मालिक और उसके परिवार को काट कर निकल गया और फिर घर में ही मासूम बना बैठा रहा। अरविंद की चाल किसी शतरंज की बाजी से कम नहीं थी, जहां हर चाल बहुत पहले से ही सोच ली गई थी। भाई और उसके परिवार को मौत देने का खेल कब से चल रहा था ये तो शायद अरविंद ही जानता था। धनतेरस के दिन नई गाड़ी खरीदी थी हमने। अरविंद चलो ना कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, बहुत मजा आएगा, मनाली चलते हैं। अरे छोड़ो ना लॉन्ग ड्राइव, भाई के घर चल के कार्ड पार्टी करते हैं। देखना रात में वहाँ कार्ड पार्टी करेंगे ना तो कितना मजा आएगा। और एक बात और, भाई को जाके अपनी नई गाड़ी दिखाएंगे। हाँ। जब भाई जलेंगे ना तो सोचो क्या मजा आएगा। भाई के घर पहुंचे तो भैया भाभी में चित्रा को लेकर घमासान मचा हुआ। चित्रा चित्रा मंत्र बना लिया तुमने उसे? कम से कम त्योहार के दिनों में तो कलेश मत करो। मनी मन तो उसका नाम जपते रहते हो तो फिर चले क्यों नहीं जाते? मजाक बना के रख दिया तुमने इस रिश्ते का। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। भाभी, अरे तुम लोग, भाभी धनतेरस मुबारक हो। हाँ तुम लोग को भी आओ। अरे अरविंद भैया, भाई आओ आओ। भैया धनतेरस मुबारक हो। अरे तुम्हें भी, तुम्हें भी। भाई इधर आओ। भैया मैंने नई गाड़ी खरीदी। अरे वाह, क्या बात है, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। भैया अब तो पार्टी जमेगी। कार्ड पार्टी खत्म हो चुकी थी पर नई गाड़ी छोड़ते जान निकल रही थी मेरी। सुरेश भाई से रिक्वेस्ट की, प्लीज भाई मेरी गाड़ी लौटा दो, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। नहीं, भाई ने घर लेके जा, जा, जा। भाई प्लीज भाई वो गाड़ी दे दो ना भाई, आज ही नई गाड़ी खरीदी है और भाई इसको भी बहुत स्ट्रेस हो रहा है। अरे तो तूने मुझसे पूछ के खेला था क्या? भाई मेरी बात तो सुनो भाई। क्या है भाई, वो सब हंसी मजाक में हो गया था, पहले से मकान के कागज आपके पास गिरवी पड़े हैं। भाई ये कार तो मैंने ईएमआई पे खरीदी है। तूने मुझसे पूछ के लगाई थी क्या? उसने तो बड़ा खड़के बोल रहा था पत्ते फेंटो, और हार गया तो जा, मैं मेरे घर लेके जा भाई इसको। भाई भाई गाड़ी दे दो भाई, छोड़ यार, जा ना तू भाई। रिलैक्स रिलैक्स भाई, चलो चलो। हाँ सर, मैं अरविंद और उसकी पत्नी को उनके घर छोड़कर आया। दोनों अंदर से बिल्कुल सड़ रहे थे, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम सर। सर विनीत आया था हमको हमारे घर में छोड़ने। सर शिखा बहुत अपसेट थी, कोस रही थी भाई को। कितना मना किया था मैंने तुम्हें, मत खेलो मत खेलो मत खेलो, लेकिन तुम्हारा भाई है ना एक नंबर का जल्लाद है, उसकी वजह से आज हम सड़क पर आ गए, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। बस पहले मकान गया अब गाड़ी,
बहुत दिन से जो सोच रहा था ना, अब वो करने का वक्त आ गया है। आपकी गाड़ी का पूरा काम कर दिया है। गाड़ी को ऐसे कलर किया है ना कि कोई बोल ही नहीं सकता कि पुरानी गाड़ी है। ऐसा लगेगा कि अभी अभी शोरूम से आई है। देखिए कैसी चकाचक लग रही है। ये लीजिए, खुद ही चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अरविंद, ये गाड़ी पर ब्लैक पेंट क्यों कराया? डार्लिंग, कोई और भी है जिसकी गाड़ी का रंग ब्लैक है। सुरेश भाई की अपनी ही है, और वैसे भी हमें बलि के लिए बकरा तो चाहिए ना। बस तुम देखती जाओ। तुम्हें सब याद है ना क्या करना है? दिवाली की शाम पूरी तैयारी के साथ मैं और मेरी बीवी सुरेश भाई के घर जा पहुंचे। भाई हैप्पी दिवाली। तू यहां कैसे आ गया? भाई परसों जो भी बदतमीजी मैंने आपके साथ की उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझसे गलती हो गई, लेकिन आपकी कसम भाई, हमेशा आपको अपने बाप के जैसा माना है मैंने। तू भी ना बहुत जल्दी उतावला हो जाता है। चला बैठ। अच्छा अच्छा, और सुना भाई, दीपावली पे अपने दोस्तों यारों से मिलना जुलना हो गया? भाई आपसे बढ़कर कौन है। हैप्पी दीपावली भाभी। अरे अरविंद है तुम, हैप्पी दीपावली। भाभी जरा मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय तो लेके आओ। हाँ भैया, बस अभी लेती हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ भाभी के पास जाओ, उनकी हेल्प करो। अरे भाभी दिवाली मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक। मेरे दिल में तेरे लिए कोई भी मैल नहीं है, समझा? भाई मैं आपकी बात तब मानूंगा जब मेरे हाथ से ना आप ये मिठाई खाओगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले खिला। भाभी देखो मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ, आपको मेरे हाथ से खानी पड़ेगी। भाभी वो उस दिन जो कुछ हुआ ना उसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सब तो चलता रहता है। नहीं भाभी, अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। कोई बात नहीं भैया, सब ठीक हो जाएगा। अब जल्दी यहां से निकलते हैं वरना वहां पे पता चले हल्ला हो गया। अरविंद भाई, अरविंद भाई कहां हो आप? जल्दी से सुरेश भाई के घर पहुंचो, कांड हो गया अरविंद भाई। हाँ हाँ मिनट, ओके ओके ओके, हम जल्दी वहां पहुंच रहे हैं। लगता है वहां पे सबको पता चल गया। इसके बाद मैंने पहाड़गंज के एक होटल में सुरेश भाई के नाम से एक रूम बुक करवाया। वेलकम टू होटल गजल सर। एक रूम चाहिए था। तो कोई आईडी वगैरह है? बस ये लीजिए सर। फोटो में तो आप पहचान में नहीं आ रहे, आप दिखने में कुछ और लग रहे हैं, इसमें कुछ और है। अरे साहब जब ये पैन कार्ड बनाया तब मेरी उम्र 22 साल थी और आज मैं 35 साल का हूँ, तो साहब इतने सालों में फेस में कुछ तो फर्क आएगा ना। कोई और आईडी नहीं आपके पास? अरे साहब आप चिंता मत कीजिए, आप रूम बुक कीजिए, मेरे आईडी है ये। चलिए ठीक है, मैं भरता हूँ। इस कांड के बारे में पुलिस को शक चित्रा और सुरेश भाई पर हो, इसलिए पुलिस को एक के बाद एक गुमनाम फोन कॉल्स करके गुमराह किया। सर विधि सच कह रहा था, उसको जेवर और पैसे मैंने ही दिए थे। रिश्तों की बुनियाद प्यार और विश्वास पर टिकी होती है। एक भी पहलू हिला नहीं कि रिश्तों की इमारत ढह जाती है। सुरेश के परिवार के प्रति अरविंद का प्यार महज एक दिखावा था,
उसकी ईर्ष्या और नफरत का पैमाना भर चुका था। सुरेश ने अरविंद की आंखों में अपने लिए पनपती नफरत को शायद कभी नहीं पहचाना और नतीजा उसे अपने और अपने परिवार के जीवन से हाथ धोना पड़ा। अरविंद और उसकी पत्नी को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस दिवाली अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। देखते रहें क्राइम पेट्रोल, सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।